Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Vijay Lakshmi, ye problem trigonometric hai, summation of series chapter se. Sum the series c cos alpha plus 1 by 3 c cube cos hi hoga yahan par cos 3 alpha into 1 by 5 c to the power 5 into cos 5 alpha plus and so on to infinity. इस cosine series का sum करना है. cosine series को हम c से denote करते हैं क्योंकि इसे हमें sum करने के लिए series का sum c plus is method का use करना पड़ेगा. c means ये cosine series c into cos alpha plus 1 upon 3 c cube into cos 3 alpha plus 1 by 5 c 5 cos 5 alpha plus and so on और इसमें number of term infinite है and so on कर दीजिए to infinity. अब जब sine series से लिखेंगे तो बाकी के जो factors होंगे ऐसे रहेंगे, सिर्फ sine की जगह पर cos हो जाएगा, angle भी वैसे रहेंगे और बाकी factor भी ऐसे रहेंगे. into sine हो जाएगा बस sine cos की जगह पर 3 alpha plus 1 upon 5 c की power 5 into sine 5 alpha plus and so on to infinity. अब method हमारा जो है वो c plus is method है. तो c plus is method जब करेंगे means s में i से multiply कर देंगे हर एक term में और इनको corresponding term जोड़ेंगे, यानी first term को first से जोड़ेंगे. तो c इसमें common दिख रहा है तो पहले term में इधर cos alpha बचा है और यहाँ पर i से into हो चुका है तो plus i sin alpha हो जाएगा. इसी तरीके से यहाँ पर 1 upon 3 c क्यों कॉमन हो गया और पहले टर्म में cos 3 अल्फा और दूसरी वाली सीरीज sin सीरीज का बचा हुआ i sin 3 अल्फा. इसी तरीके से आगे भी 1 by 5 c to the power 5 cos 5 अल्फा और प्लस i into sin 5 अल्फा. इसी तरीके से ये सीरीज जो है इनफाइनाइट तक चलेगी. इसमें यूलर फार्मूला लगा देंगे, जैसे कि हम लोग यूलर फार्मूला जानते हैं कि cos z plus i sin z की वैल्यू होती है e to the power i z. तो z की यहाँ पर इधर अल्फा है पहले वाले में, दूसरे में 3 अल्फा, नेक्स्ट में 5 अल्फा एंड सो ऑन. तो हर एक में यूलर, हर एक टर्म में यूलर फार्मूला लगाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी e to the power i अल्फा प्लस 1 अपॉन 3 c क्यू इंटू e to the power 3 i अल्फा हो जाएगा प्लस इस वाले टर्म की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 5 c टू द पावर 5 e टू द पावर i इनटू 5 अल्फा प्लस इसी तरीके से और भी टर्म होंगे एंड सो ऑन. इसको इस तरीके से लिख सकते हैं c e टू द पावर i अल्फा प्लस 1 अपॉन 3, ये से लिखा जा सकता है c e टू द पावर i अल्फा की पावर होल पावर 3, क्योंकि c का क्यूब करेंगे मिल जाएगा और इसमें जब इसकी पावर ये 3 करेंगे तो ब्रैकेट की अंदर की पावर बाहर की पावर को मल्टीप्लाई होकर ये मिलेगा प्लस 1 बाई 5, इसे लिखा जा सकता है c e टू द पावर i अल्फा की होल पावर 5, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर बाहर की पावर का इनटू हो जाता है तो 5 अल्फा को इस तरीके से लिख सकते हैं और c की पावर भी 5 था उसको इस तरीके से लिख देंगे प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी. ये नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर इनफाइनाइट है. अब जो ब्रैकेट में हमारा जो c टू द पावर i अल्फा, इसको थोड़ी देर के लिए हम x के कुल मान लेते हैं तो हमारी जो सीरीज चल रही थी c प्लस is, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, यहाँ पर भी हमें ब्रैकेट में जो दिख रहा है c e टू द पावर i x, उसकी जगह पर हम x के बराबर रख लेंगे. तो अगले पेज पर हम देख रहे हैं कि ये c प्लस is की जो वैल्यू है वो इक्वल हो गई है. पहले x था यहाँ पर, तो यहाँ पर ये x था तो x को लिख दिया प्लस नेक्स्ट टर्म जो होगा फिर लिखेंगे प्लस 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 5 एक्स टू द पावर 5 और प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी हो जाएगा. अब यहाँ पर हम एक फार्मूला जो होता है लॉग का उसको अप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू जो होती है 1 अपॉन 2 लॉग का ये फार्मूला होता है, याद कर लीजिए, इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट सीरीज़ हो अगर ऑड पावर हो, यहाँ पर अपान में भी ऑड ही हो, यानी 1 पावर तो अपान में 1, 5 पावर तो 5 1 हो तो इसकी वैल्यू 1/2 log 1 प्लस x अपान 1 माइनस x की वैल्यू होती है. आप यहाँ पर जो x की वैल्यू अपनी तरफ से मानी थी इस वैल्यू को रख देंगे तो ये log 1 प्लस c e टू द पावर i अल्फा हो जाएगा, अपान में भी 1 माइनस c इंटू e टू द पावर i अल्फा हो जाएगा. अब इसमें log m बाई n की
आइडेंटिटी लगा देंगे, यानी log m हो अपान में m हो तो log आएगा दोनों दो बार, और बीच में बिटवीन साइन माइनस होगा, तो इसमें log m बाई n का फार्मूला लगा जाएंगे। c प्लस आई एस इक्वल टू 1/2 log ये वैल्यू हो जाएगी इसकी, यानी 1 + c e to the power i alpha, और माइनस में log आ जाएगा c 1 - c e to the power i alpha, और यहाँ पर हम इसमें यूलर फार्मूला दोबारा से लगा देंगे जो पीछे बता चुके हैं कि यूलर फार्मूला के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी cos अल्फ़ा प्लस i sin अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगी। अब इसके बाद में यहाँ पर दोबारा से इस में यूलर फार्मूला लगाएंगे तो 1 - c cos α + i sin α को लगा दिया। अब अगले स्टेप में इस ब्रैकेट्स जो हैं इसमें रियल और इमेज पार्ट को सेपरेट करके लिखेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल रियल और इमेज सेपरेट करके लिखना है पूरे राइट हैंड साइड को, तो पहले इस ब्रैकेट में रियल पार्ट अलग और इमेज अलग कर लें। जब सी का इसमें इंटू होगा तो हमें रियल पार्ट मिलेगा c cos α, तो ये रियल पार्ट मिल चुका है 1 + sin c cos α जिसको ब्रैकेट में हमने कर दिया है, प्लस इसमें जब इंटू करेंगे तो सी का इसमें इंटू करेंगे तो आई को कोएफिशिएंट हो गया c sin α हो गया। इसी तरीके से इस दूसरे लॉग में भी ऐसा ही कुछ करना है, तो रियल पार्ट यहाँ पर 1 है और सी के जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे c cos α, ये इतना रियल पार्ट हो गया, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का साइन यहाँ से चल रहा है सी, और आई इंटू सी साइन अल्फ़ा हो चुका है रियल पार्ट, ये कंप्लीट। अब इन दोनों ही में दो लॉग के जो फार्मूले हैं जो हम नीचे लिख दे रहे हैं उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई, यानी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट हो तो होता है 1/2 लॉग रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस आई इंटू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट। अगर यहाँ पर इसमें कंजुगेट इसका लिखा हो, यानी आई की जगह पर माइनस आई हो, यहाँ बिटवीन साइन माइनस हो, तो फार्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, रियल पार्ट में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, इमेजिनरी पार्ट में माइनस आई हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपान में एक्स। तो इन दोनों फार्मूले को पहले और दूसरे जो हमारे लॉग की वैल्यू है इसमें अप्लाई करेंगे, तो 1/2 यहाँ बाहर चल रहा है, इसमें जब अप्लाई करेंगे ये इतना रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो 1/2 लॉग रियल पार्ट यहाँ पर हो जाएगा 1 + c cos α² इमेजिनरी पार्ट c sin α² और प्लस आई इंटू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट, ये हो जाएगा जो आई का कोएफिशिएंट है c sin α और रियल पार्ट है 1 + c cos α, रियल पार्ट अपन इमेजिनरी पार्ट कर दिया। अब ये वैल्यू ये हो गई, तो पहले वाले ब्रैकेट की वैल्यू तो हमने यहाँ पर लिख दी है, जिसको हम यहाँ पर इस ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, और इसके बाद माइनस इस दूसरे वाले लॉग की वैल्यू को अब यहाँ पर लिख रहे हैं इस वाले ब्रैकेट में, तो 1/2 लॉग रियल पार्ट इसका ये है रियल पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 - c cos α² प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी आई का कोएफिशिएंट जो है वो c sin α उसका होल अप स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद चूँकि इसके बीच में साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा और आई इंटू इमेजिनरी पार्ट माइनस हो जाएगा टेन इनवर्स c sin α अपान हो जाएगा 1 - रियल पार्ट अपान इमेजिनरी पार्ट अपान रियल पार्ट, रियल पार्ट c cos α है, तो उसको हमने लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर देंगे, अब पूरा ब्रैकेट को बंद कर देंगे जिसमें 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब c + is मेथड है, तो इसको सवाल को अगर हम कंप्लीट करना चाहते हैं तो, और कोसाइन सीरीज़ हमारी रियल सीरीज़ होती है, रियल पार्ट होता है सी, तो सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 1/2 तो टोटल में मल्टीप्लाई है, हम इसमें रियल पार्ट की कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो ये बाहर चलेगा दोनों के साथ में रहेगा रियल इमेजिनरी, लेकिन अगर हम रियल पार्ट निकालना चाह रहे हैं तो हमें सिर्फ रियल पार्ट को यहाँ पर चुनना होगा और इसमें आई आर उसको छोड़ना होगा इमेजिनरी पार्ट को, और चूँकि हम सी चुन चुके हैं यानी रियल पार्ट जो फाइंड करना था सीरीज़ सी निकालना था तो हमने रियल पार्ट लेना है, तो इसमें इस वाली सीरीज़ को ले लेंगे 1/2 लॉग इस ब्रैकेट को लिख रहे हैं 1 + c cos α² प्लस का c sin α² ये तो रियल पार्ट यहाँ से ले लिया, इसको छोड़ जाइए और उसके बाद इस वाले सीरीज़ को लिख इस वाले पार्ट को लिख लेना जो रियल है जिसमें आई नहीं आ रहा है, तो उससे पहले माइनस लगाए तो माइनस ये लेते हुए ये वैल्यू है 1/2 लॉग ऑफ 1 - c cos α² है और cos α² है और इसके बाद में प्लस का
यहाँ पर साइन के साथ में सी कॉस अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया है। अब 1/2 दोनों में यहाँ पर हमें बाहर लॉग के नज़र आ रहा है, इसको बाहर लिख सकते हैं, 1/2 को कॉमन ले लेंगे बिल्कुल बाहर। पहले से भी एक 1/2 मौजूद है, एक 1/2 और ले लिया, तो हमारे पास जो बच रहा उसको लिख दे रहे हैं कि लॉग पहले वाले ब्रैकेट में है 1+ का सी इंटू कॉस अल्फ़ा का होल ऑफ स्क्वायर, फिर दूसरे ब्रैकेट में सी साइन अल्फ़ा का होल ऑफ स्क्वायर। ये तो हमारे इस पहले वाले लॉग के साथ में हो गया, और माइनस के बाद जो दूसरे वाले लॉग की वैल्यू है उसमें फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो है 1- का फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू है 1- सी इंटू कॉस अल्फ़ा की वैल्यू इसका स्क्वायर, और प्लस दूसरा है प्लस का सी इंटू साइन अल्फ़ा होगा, जो हमें यहाँ से करेक्शन करना पड़ेगा, पीछे भी थोड़ी सी गलती हुई है उसको भी करेक्ट कर देंगे। तो ये वैल्यू जो है वो देखा हम लोगों ने इस वाले का मैं फार्मूला लगाया था, बल्कि इसमें से सेलेक्ट किया था, तो ये लिखने में गलती हुई है, तो ये पूरा लिखना था लिख दिया, और इसके बाद प्लस के साइन के बाद में ये वाली वैल्यू जो है वो लिखना थी यहाँ पर, यानी सी कॉस साइन अल्फ़ा था, तो यहाँ पर हमें सी साइन अल्फ़ा जो आपने डिटेक्ट कर ली होगी, तो ये वैल्यू हमें लिखना थी सी साइन अल्फा, वहाँ पर हमने ये इसको लिखा हुआ है। अब यहाँ पर दो लॉग हैं और उसके बीच में माइनस का साइन है, यानी ये फार्मूला लगा सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन हो तो एक बार लॉग लिखने की ज़रूरत है एम, और जिससे माइनस हो रहा वो ये वैल्यू नीचे रख दी जाएगी, लॉग एम बाई एन का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 × 2 4 हो जाएगा, सी की वैल्यू 1/4, और एक बार लॉग लिखें और जो वैल्यू है पहले उसको ऊपर रखेंगे, यानी 1+ का सी कॉस अल्फ़ा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का सी साइन अल्फ़ा का होल ऑफ स्क्वायर, ये तो हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जो माइनस के बाद में लॉग लिखा इसकी वैल्यू को डिनोमिनेटर में पहुंचा देंगे, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 1- सी इंटू कॉस अल्फ़ा का होल ऑफ स्क्वायर, और उसके बाद में यहाँ पर प्लस का सी साइन अल्फ़ा का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसके बाद जितना चाहे इसको सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर सकते हैं, या यहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर को छोड़ सकते हैं। तो सी की जो वैल्यू है आगे हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसका होल ऑफ स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो 1² प्लस का सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का 2 × 1 × सी इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1² प्लस का सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 × 1 × सी कॉस अल्फ़ा प्लस इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। तो सी की जो वैल्यू है 1/4 लॉग ऑफ 1² ये 1 हो गया, और सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर और सी स्क्वायर साइन स्क्वायर में से सी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बस ये वाला बचेगा प्लस का 2 × सी कॉस अल्फ़ा, इसी तरीके से डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1, और इन दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ओनली सी स्क्वायर बचेगा, और माइनस का 2 × सी कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। इस तरीके से ये कम्प्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाकर दावाना अलहमदिल्ला रब्बिल आलमीन।